तो चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहता है कि अगर एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, केप्ट ऑन हॉरिजेंटल रूलर, ये रूलर पर रखा हुआ है, इफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू, मतलब यहाँ पे सरफेस इस रफ है और इनके बीच जो फ्रिक्शन है वो म्यू एग्जिस्ट करता है। इफ रूलर वन एंड ऑफ द ब्लॉक एट लेंथ एल, मतलब यहाँ से ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कैपिटल एल फिक्स, रूलर इज रोटेड ए फिक्स एक्सिस हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट द फिक्स्ड, अब ये ओमेगा से मान लो रोटेट कर रहा है, एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फॉर द ब्लॉक विच डज नॉट स्लिप, मतलब देखो अगर ओमेगा कम रखोगे तो ब्लॉक, तो अगर ओमेगा ये पूरी रोलर को रोटेट कराओगे तो ये ब्लॉक तो ऐसे सर्कल में चलेगा ना, द ब्लॉक विल मूव लाइक इन दिस सर्कुलर पाथ, अगर 2 dB अगर देखोगे तो ये अगर रोलर है यहाँ पर, तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये पूरा अगर ओमेगा से रोटेट करेगा बच्चों, इट विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो अगर ये ओमेगा से रोटेट करेगा तो ये ब्लॉक इस टाइप के सर्कल में मूव करेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में इस टाइप से सर्कल में मूव करेगा, और ये डिस्टेंस एल है, तो इस ब्लॉक पे अगर फोर्सेस देखोगे और तो फोर्सेस लगाने का जो है, मैं इसी के फ्रेम से, अगर इसी के फ्रेम से लगाता हूँ तो मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा, इधर की डायरेक्शन में ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा, तो जस्ट मैक्सिमम, जस्ट स्लिप करने के पहले ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा ओमेगा बढ़ाओगे तो ये स्लिप करने लगेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा, और जस्ट जब ओमेगा मैक्सिमम होगा उस वक्त फ्रिक्शन लिमिटिंग लग रहा होगा, ओमेगा मैक्सिमम पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा होगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये फ्रिक्शन इसको रोकेगा, नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा होगा और एम जी इस पे अर्थ नीचे लगा रही होगी, तो यहाँ 2 dB अगर देखोगे तो नॉर्मल ये रूलर लगा रहा होगा, एम जी अर्थ लगा रही होगी, और ये यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, इसी के फ्रेंस पे एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शन है बच्चों ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, इससे पहले क्या लग रहा होगा बोलो, सही से ही बताओ कमेंट में, सही से कमेंट करना भाई, क्या लग रहा होगा इससे पहले, इससे पहले स्टैटिक लग रहा होगा, जस्ट स्लिपिंग के केस में लिमिटिंग लगेगा, उसके बाद अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो ये स्लिप करने लगेगा, बाहर की साइड जाने लगेगा और फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एट वर्ज ऑफ मोशन जस्ट चलने वाला होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, तो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलने वाला है मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो, एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी मिलेगी, नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी एम जी, ये दो इक्वेशन है, तो अगर मैं इनको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस फ्रिक्शन, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या बोलो, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू एन की वैल्यू आ जाएगी एम जी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस म्यू जी अंडर रूट एल अंडर रूट, तो अगर इतना ओमेगा रखोगे तो बेसिकली क्या होगा, ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा, लेकिन और फ्रिक्शन कैसा, यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग, तो जस्ट स्लिपिंग के केस में लिमिटिंग, अगर ओमेगा लेस देन है म्यू जी से एल से तभी भी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, तो तभी भी रेस्ट में रहेगा, ये चलने वाला है, इसको बोलते हैं बच्चों वर्ज ऑफ मोशन, मतलब चलने वाला है तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, लिमिटिंग, और अभी क्या है बड़े आराम से रेस्ट में है और ओमेगा इससे कम रहेगा, तो इस केस में ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, तो ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा, ठीक है, और अगर ओमेगा ज़्यादा हो गया किससे, म्यू जी एल से अंडर, तो ये जो ब्लॉक है बच्चों वो इधर मूव करने लगेगा, इधर मोशन क्रिएट हो जाएगा, सूडो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो सूडो फोर्स बढ़ेगा, सूडो फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और ब्लॉक को छोड़ देगा और चलना ही होगा, सूडो डोमिनेंट हो जाएगा, तो इस केस में ये ओमेगा इससे अधिक होगा तो ब्लॉक मूव करेगा और मूव करेगा, और नेचर ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगने लगेगा बोलो, काइनेटिक, तो ये बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया इतना बेहतर तरीके से, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो देखिए ऑप्शन मैच किए कौन सी,
हमारी ऑप्शन मैच करेगी इसमें, दैट इज हम लोगों का सी ऑप्शन इसमें से मैच कर गया। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बच्चों इसको यूट्यूब और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और ज़्यादा आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्ट सर्च करो सर्कुलर मोशन वेब सीरीज़ यूट्यूब पे या गूगल पे, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा।